पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं, ठीक है। अब यहां पर क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, जैसे प्रश्न में क्या पूछा है, निम्नलिखित में कौन सी अपरिमेय संख्या है, ये आपके एग्जाम के पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन है, ठीक है, पैटर्न है एकदम सेम टू सेम जो आपकी परीक्षा में बनता है। अपरिमेय किसे कहते हैं, आप सबको आइडिया होगा, अंग्रेजी में इसको इरेशनल कहते हैं, इरेशनल, इरेशनल अर्थात अपरिमेय। अपरिमेय क्या होता है, वह संख्या जो अगर पी बटा क्यू के रूप में लिखा जाए, मतलब भिन्न के रूप में लिखा जाए, पहली चीज आप ध्यान से समझिए कि अपरिमेय से पहले एक वर्ड होता है परिमेय, जिसे आप रैशनल कहते हैं, रैशनल कहते हैं, रैशनल का मतलब ऐसी संख्या जो पी बटे क्यू के रूप में लिखी जाए, हिंदी में आप इसको परिमेय कहते हैं। जहां पर मैंने आपको बताया होगा कि क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो हो, मतलब जो डिनोमिनेटर हो कभी जीरो के बराबर ना हो, वही वही परिमेय है। अब अपरिमेय क्या होता है, अपरिमेय वह संख्या होती है जो ना तो, ध्यान से देखिएगा, ना तो विभाजित हो, ना तो विभाजित हो, ठीक है, ना ही आवर्ती हो, ना ही आवर्ती हो। लेकिन आपको एक बात मैं बता दूं, ठीक है, ना तो विभाजित हो ना ही आवर्ती हो, आप जान लो कोई भी संख्या अगर आप लिखते हैं तो संख्या का जो रिप्रेजेंटेशन होता है हमेशा पी बटे क्यू के फॉर्म में होता है, चाहे जिस संख्या की बात करो, पॉजिटिव से लेकर नेगेटिव तक कोई भी संख्या आप लिखते हैं तो पी बटे क्यू के फॉर्म में लिखा जाता है। ये संख्याएं या तो टर्मिनेटिंग होती हैं, जिसे शांत कहते हैं, शांत अशांत सुना होगा आपने, या तो नॉन टर्मिनेटिंग होती है, जिसे आप अशांत कहते हैं, ठीक है, इसके अलावा कुछ नहीं होती है। आप कोई भी डिवीजन प्रोसेस करिए, कोई भी भाग का सिस्टम बनाइए, पी बटे क्यू के रूप में किसी संख्या समूह को लिखिए, 100% मान लो या तो वो पूरी तरह से कट जाएगा या दशमलव के कुछ अंकों के बाद कट जाएगा। जैसे अगर मैं 55 को 11 से भाग करूं, शांत है, 11 को मैं 5 से भाग करूं तब भी शांत है, जबकि पूरी तरह से नहीं कट रहा है, ठीक है, 3 को मैं 4 से भाग करूं तब भी शांत है, तब भी शांत है। लेकिन कुछ नंबर ऐसे होते हैं जैसे 1/3 है, 22/7 है, 13/6 है, ये सारे नंबर अशांत है। जितने भी अशांत होते हैं, जितने भी नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, उन सभी को हम रिकरिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, रिकरिंग। दरअसल इस रिकरिंग आवर्ती को इसलिए उपयोग में ला रहे हैं क्योंकि आप इनमें से किसी एक को भाग देंगे, जब आप नीचे से ऊपर को भाग देंगे तो बार, जैसे अभी इसी 3 से 1 को भाग करिए तो 0.33333333333 टिल द इनफिनिट होगा, आप इसे 0.3 के ऊपर बार के रूप में लिख सकते हैं। हमारी डिमांड क्या है, ना तो विभाजित हो ना ही आवर्ती हो, ठीक है, ना तो विभाजित हो ना ही आवर्ती हो, तो इसका मतलब वह क्या हो, अशांत तो रहे लेकिन अशांत होने के बाद आवर्ती भी ना होने पाए, अशांत के बाद आवर्ती ना होने पाए। जबकि मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि आप किसी भी संख्या को अगर पी बटे क्यू के रूप में लिखेंगे तो वह संख्या या तो शांत होगी या तो अशांत होगी, और अगर अशांत होगी तो 100% वह आवर्ती होगी, 100% रिकरिंग होगी। तो भिन्नों में तो ऐसा सिस्टम नहीं है। जैसे मान लीजिए मैं आप ऑप्शन पर चलता हूं लेकर, अब इसको देखिए, यह संख्या को अगर सोचा जाए तो आपसे अगर आपको एक्सप्लेन करना हो कि इसको आप क्या कहोगे, तो मैं इसको कहूंगा टर्मिनेटिंग है, मतलब शांत है। शांत क्यों है, क्योंकि एक ऐसे भिन्न का पार्ट है जो कि कुछ देर के बाद, मतलब पहले दशमलव लगा होगा, फिर जीरो लगाया गया होगा, फिर एक लिखा था, फिर एक बार गया, पांच बार गया, एक बार गया, छह बार, अब इसके बाद कोई बार नहीं जा रहा है, इसे आप टर्मिनेटिंग कहेंगे, अर्थात शांत कहेंगे। क्या कहेंगे, शांत। इसकी बात अगर करें तो यह आपकी जो फ्रैक्शन है, क्योंकि अब यहीं पर बार लगा हुआ है, आप देखिए ये क्या लिखा है, 0.1516, इसके ऊपर बार लगा, इसका मतलब इसको लिखेंगे 0.1516151615116, ऐसे टिल द इनफिनिट लिखा हुआ है। तो ये आपका यह नंबर अशांत है। क्या है, अशांत है, नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ यह आवर्ती है। तो ध्यान दीजिए, जो शांत है वो तो आपका हमेशा परिमेय होगा, जो शांत है वो तो परिमेय होगा, जो संख्या आपकी अशांत है, अशांत होने के बाद भी वह आवर्ती है, वह भी परिमेय होगा, वो भी क्या होगा, परिमेय होगा, ये भी परिमेय है। अब आता है नंबर सी ऑप्शन। देखिए सी को जब हम नोटिस करें, दरअसल ये जो अपरिमेय होते हैं ना, ये ऐसी संख्याएं होती हैं, जैसे रूट है, रूट नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर, सोचिए 2 है, 3 है, 4, 7 है, 5 है, 6 है, आप उसका वर्गमूल निकालिए, तो वर्गमूल निकालेंगे, जैसे 2 का वर्गमूल आप कभी कैलकुलेटर से ट्राई करिए तो 1.41 समथिंग करके होता जाएगा। कोई टर्म अपने आप को दोहराएगा नहीं, रिपीट नहीं करेगा, और ना ही टर्मिनेट होगा, ना ही कहीं रह के रुक जाएगा, भगता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, टिल द इनफिनिट। जैसे यह जो रिजल्ट आया है सी वाला, अगर आप रिजल्ट नोटिस करिए तो ये डॉट 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 से कंफर्म हो गया कि अनंत तक जा रहा है। अब क्या ऐसा कोई पद समूह है जो अपने आप को रिपीट करता दिख रहा है, 0.501 है, फिर 5001 है, 5001 है, कोई एक पैटर्न, कोई एक ग्रुप अपने आप को रिपीट नहीं कर रहा है।
यह संख्या जो है आपके सामने क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है क्योंकि यह इनफाइनाइट तक जा रहा है, साथ साथ यह ना तो आवर्ती है, नॉन रिकरिंग है। इस संख्या को हम लोग अपरिमेय कहेंगे। आप ऑप्शन नंबर सी लगाओ, अपरिमेय के लिए राइट सोल्यूशन है सी ऑप्शन, अगर आप लगाएंगे तो एकदम एग्जैक्ट है, ठीक है, यही अपरिमेय है। और आप में से देखिए बहुत सारे लोगों ने, शालिनी जी ने, आकाश, अवकाश, सरिचा, हाँ शालिनी, सोनवीर, सभी ने देखिए हमें लगभग लगभग बताया था सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। ये जो संख्या है यही आपकी क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ नॉन रिकरिंग है, आवर्ती नहीं है, तो इसलिए सी ऑप्शन आप लगा सकते हैं। इतना क्लियर हो गया होगा। सेकेंड क्वेश्चन पर आइए। इसी तरह का एक प्रश्न देखिए, जो भी हम डिस्कस कर ही रहे हैं इसी पर, उसको थोड़ा आप समझ लीजिएगा। निम्न परिमेय संख्याओं में, परिमेय मतलब रैशनल, ठीक है, रैशनल में कौन सी संख्या का दशमलव प्रसार, जब उसको दशमलव में एक्सपेंड करते हैं तो एक शांत दशमलव है, मतलब टर्मिनेटिंग है। मैं इसी पर अभी चर्चा कर रहा था आप लोगों से, ध्यान से देखिएगा। हमें ये पता चल गया अभी इसके पहले वाले सेशन में, जो मैंने क्वेश्चन पढ़ाया आपको, वहीं पर मैंने कहा कि अगर हम किसी भी डेसिमल या फ्रैक्शन को लिखते हैं तो या तो वो टर्मिनेटिंग होगा या तो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। दो बातें होंगी, या तो टर्मिनेटिंग होगा या तो क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा। टर्मिनेटिंग का मतलब होता है कि अगर हम पहचाने कैसे, दरअसल हम अगर लिखने को दो चार पांच दस एग्जांपल लिख दे, बट आपको कैसे समझ में आएगा कि यह टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। हम किसी संख्या का पी बटे क्यू फॉर्म लिखे, मतलब उसे भिन्न के रूप में लिखे, बस ध्यान दे कि यह भिन्न का सरलतम रूप हो। सरलतम रूप आप जानते हैं क्या होता है, सरलतम रूप अंग्रेजी में सिंप्लीफाइड कहलाता है, अर्थात वह कॉमन किसी एक संख्या से दोनों पद उसके नहीं कटते हैं। जैसे 3/5 लिखा है तो यह सरलतम रूप है, बट अगर 12/15 लिखा है तो सरलतम रूप नहीं है। क्यों? क्योंकि 3 × 12, 3 × 5 = 15, अब यह सरलतम रूप में हो गया, ठीक है, पी बटे क्यू यह अपने सरलतम रूप में हो। फिर इसके हर को चेक करना है, क्यू को, जो क्यू हो ना वो किस रूप में हो पता है, 2m × 5n, जहां पर m और n ग्रेटर आर इक्वल टू 0 हो, ठीक है, मतलब m और n ग्रेटर आर इक्वल टू 0 हो, तो वैल्यू जो उसके हर में हो ना वैसे हो, या तो 2^0 हो, 2^1 हो, 2^2 हो, 2^3 हो, ऐसे हो, 5^0 हो, 5^1 हो, 5^2 है, 5^3 है, ऐसे हो, या इनका आपस में किसी का भी किसी से गुणा हो, हर में ऐसा हो। अर्थात ये जान ले कि आपको हर में या तो 2 दिखे, 4 दिखे, 8 दिखे, 16, 32, 64, 128, 256, 512 ऐसे दिखे, या तो 5 दिखे, 25, 125, 625, या केवल यही लाइन दिखे, या तो यही लाइन दिखे, या इनका आपस में किसी का किसी के साथ गुणा दिखे, तब तो वह भिन्न आपका टर्मिनेटिंग है, शांत है, नहीं तो वह अशांत है। अगर 2 के साथ 3 लग जाए, 5 के साथ 3 लग जाए, ऐसे टर्म 2 और 5 के अलावा कुछ भी नजर आ जाए, तो कह देना कि वह अशांत है, नॉन टर्मिनेटिंग है, नहीं तो वह शांत है। जैसे मुझसे यही पूछा कि निम्न परिमेय संख्याओं में कौन सा दशमलव प्रसार एक शांत दशमलव है, तो शांत के लिए सबसे पहले भिन्न को मैंने चेक किया, पता चला कि यह जो 26 है, 225, सबसे पहले चेक करो क्या अपने सरलतम रूप में है, सरलतम रूप में तो है क्योंकि कोई कॉमन संख्या दोनों को काट नहीं सकती। तो मैंने 225 को चेक किया, फैक्टराइज किया, तो पता चला कि 5 × 20, देखो ऐसे अगर हम इसका फैक्टर बनाते हैं 225 का, जो हम पहला वाला देख रहे हैं, तो आप लिख सकते हैं कितना, 5×45 होगा ना, और 5×45, 5×25 ठीक है, 9×45, मतलब ध्यान से देखिए 5^2 है बट 3^2 है, 5 और 2 के अलावा, जैसे आप इसको क्या लिख सकते हैं, 5^2, 3^2, 25×9 = 225 होता है। 5 तो है बट 5 के साथ 2 नहीं है, 5 के साथ 3 है, तो यह तो फिलहाल शांत नहीं है, यह शांत नहीं है, अशांत है। आप डिवाइड करके देखिए, दशमलव के कुछ अंकों के बाद यह अपने आप को दोहराना शुरू कर देगा, रिपीट करना शुरू कर देगा। जब मैंने इसकी बात करी 2/21 की, लिखा है निम्न परिमेय संख्या में कौन सा दशमलव प्रसार एक शांत है, तो आपको शांत डिसाइड करना है, ध्यान दीजिएगा। 2/21 भी अपने सरलतम रूप में है, और हम इसको क्या लिख सकते हैं, 21 को 3×7 लिख सकते हैं, ना 2 है ना 7 है ना 5 है, ना 2 है ना 5 है, तो यह भी पॉसिबल नहीं, यह भी शांत नहीं है। आप ध्यान से देखिएगा, यह भी आपका शांत नहीं है, इसको भी छोड़ दीजिए, अशांत है। अब आता है 7/250, अब सी ऑप्शन को देखिए, और 250 को, भाई ऊपर नीचे कुछ कट तो रहा नहीं, कॉमन संख्या तो है नहीं कोई काटने वाली, तो 250 का मैंने फैक्टर देखो ऐसे बनाया, इसको मैंने 25×10 कर दिया, 25 को आप 5^2 लिखते हैं और 10 को 2×5, अर्थात तय है कि 250 को हम लिखेंगे 5^3×2^1, 5^3×2^1 इस रूप में आ गया, 2^m 5^n के रूप में आ गया, 2 और 5 के अलावा कोई अनदर टर्म नहीं है,
तो इसलिए इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन सी ऑप्शन है। जो डी बताए हैं भाई गलत कर लीजिएगा, अपना डी नहीं होगा, इसका सी होगा। इसमें से आप लोग कंफर्म कर लो, हाँ इसमें कंफर्म कर लीजिए कि यहां पर इसका राइट सोल्यूशन कितना आएगा, सी होगा जी। एकदम सी होगा, सी ही होगा, एकदम ध्यान से देखिएगा तो कंफर्म हो जाएगा। बाकी कोई ऐसा है नहीं ना, जैसे आप देख रहे हैं कि 26 बटा 225 है। अब 26 तो भाई 13 से कटता है, 2 से कटता है, ना तो यह 13 से कट रहा है ना 2 से कट रहा है। इस हिसाब से जो है आपका जो फैक्टर बना था वो 5 की पावर 2 अर्थात 25 नवा 225 होता है। तो ये किसी भी हालत में ऊपर वाला भी नहीं है, दूसरा ऑप्शन था ही नहीं, तो सी से ऑप्शन आपके इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन है, एकदम सही है। ऐसे प्रश्नों को एकदम तैयार कर लेना, इंपॉर्टेंट है, आते हैं एग्जाम में, अच्छे प्रश्न है, आप लोग जरूर रिलेट करिएगा। क्लियर है, 3 नंबर सिस्टम के अच्छे शानदार प्रश्न है और इन सबको अच्छे से तैयार करिए। अब आता है तीसरा, निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सह अभाज्य है। ध्यान से देखिएगा, सह अभाज्य का मतलब होता है कोप्राइम। क्या होता है कोप्राइम? कोप्राइम सबसे पहले ध्यान से समझो, कोप्राइम क्या है? ऐसी संख्या, जैसे हमने लिखा ए और बी, ठीक है, ए और बी, कोई भी दो संख्या, मतलब आप ध्यान से समझिएगा शब्दों को, स्टेटमेंट को, कोई भी दो संख्याओं का, आप लोग कमेंट करना जब मैं पूछूंगा कोई चीज अभी, कोई भी दो संख्याओं का जोड़ा, पेयर, जिनका कॉमन फैक्टर अर्थात उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या हो, एक हो, वह सह अभाज्य संख्या कहलाता है। क्लियर है, ध्यान से देखिएगा, हमने कहा जिनका कॉमन फैक्टर अर्थात उभयनिष्ठ गुणनखंड एक हो वह सह अभाज्य कहलाता है। एक डाउट यहां होता है, आप ध्यान दीजिएगा कि कई लोगों के मन में आता है क्या ये जो संख्याएं हैं, जैसे हमने कहा कि आपको मैं कुछ एग्जांपल दे रहा हूं, आप इसके लिए कुछ बातें तो ऐसे ही तय कर लो। अगर हम कोई दो अभाज्य संख्या ले रहे, जैसे 2 और 3 है, आपसे मैं पूछूं क्या को प्राइम है, यस है, को प्राइम मतलब सीपी होता है, को प्राइम मतलब सह अभाज्य। अब देखो अगर कोई भी 5 और 7 ले लो, ठीक है, 13 और 17 ले लो, मतलब कोई भी दो अभाज्य संख्याएं लेंगे तो वह गारंटीड है को प्राइम होगी, सह अभाज्य होगी, ये तय है, वह सह अभाज्य होना उनका तय है। अब आता है कुछ और डाउट, देखो जैसे ऐसे मान लीजिए मैंने 1 लिया और 2 लिया, अब आप बताओ कि यह सह अभाज्य है कि नहीं, 1 और 2। अब आपको यहां पर एक डाउट ये बनेगा कि 1 जो होता है ना तो भाज्य है ना अभाज्य है, ठीक है, ना तो अभाज्य है ना भाज्य है, आप समझने की कोशिश करिए, तब भी यह को प्राइम है क्योंकि इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 है, अर्थात इन दो संख्याओं का जो एचसीएफ रहे ना वो एचसीएफ हमेशा 1 रहे, इनका मासा हमेशा 1 आए। ये प्रश्न भी आपका को प्राइम है, जैसे ये डाउट हमेशा बनता है लोग के मन में, 1 किसी के साथ अगर जाएगा, चाहे किसी के साथ, अब देखो अभी तो मान लो 2 के साथ गया है, 2 के साथ गया, अभी भी डाउट देखो कैसे बनेगा, अभी चलो अगर 7 के साथ हो तब भी हम कहेंगे को प्राइम है, बट 1 अगर 4 के साथ जाएगा तो क्या कहोगे? अब सोचो 1 तो वैसे भी भाज्य अभाज्य नहीं होता है और 4 अभाज्य नहीं है, 4 एक भाज्य संख्या है, ठीक है, तब भी यह को प्राइम है, तब भी यह एक सहभाज्य है। डाउट को एकदम क्लियर करते जाइए, तोड़ दीजिए सब सारे कंफ्यूजन को, सहभाज्य को जो लेकर के मन में आती है। अभी चलो एक कैटेगरी में तो कोई डाउट ही नहीं होता कि अगर 2 अभाज्य संख्याएं हैं तो सह अभाज्य तय है उनका होना। अगर एक संख्या जो 1 है, 1 किसी के साथ लगेगा तो सह अभाज्य ही बनाएगा। अब एक कंफ्यूजन और होता है, जैसे हमने लिखा 4 और 9, अब आप इसको क्या कहोगे, 4 9, ना तो 4 अभाज्य है ना तो 9, क्योंकि 4 भी भाज्य है और 9 भी भाज्य है, तब भी मैं बता दूं कि यह को प्राइम है, क्यों, क्योंकि उनका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 है अर्थात इनका एचसीएफ 1 है। मैंने लिखा 5 और 12, सोचो 5 तो चलो अभाज्य है, 12 एक भाज्य संख्या है, लेकिन यह अगर देखा जाए तो को प्राइम नंबर है, ठीक है, को प्राइम नंबर है। 16 और हमने लिख दिया 25, अब सोचो 16 और 25 दोनों भाज्य हैं, ए भी भाज्य है और ए भी भाज्य है, लेकिन अगर देखा जाए तो यह सह अभाज्य है, को प्राइम है। मतलब को प्राइम के लिए संख्याओं का भाज्य अभाज्य नहीं चेक किया जाता है, संख्याओं को रिलेटिवली चेक किया जाता है, परस्पर चेक किया जाता है कि परस्पर वो ऐसी स्थिति में तो नहीं है कि कोई कॉमन संख्या दोनों को डिवाइड कर दे, तो उसकी उस कंडीशन में हमें डिसाइड करना होता है। जैसे अभी मान लो ये ऑप्शंस हैं आपको दिए गए हैं, अगर हम इसको सोचे जैसे पहला वाला, तो पहला वाला अगर सोचो तो ये दोनों संख्याएं 2 से कटेगी, 2 से कटेगी, तो यह को प्राइम नहीं है, ठीक है, नहीं है, क्योंकि इनका एचसीएफ 1 होना चाहिए।
दोनों संख्याएं अगर सोचो कौन सा, 156 और 226, दोनों दो से कट रहे हैं कि नहीं, ए भी दो से कट रहा है, ए भी दो से कट रहा है, तो कह दीजिए भैया को प्राइम नहीं है, क्योंकि एस सी एफ इनका एक के अलावा कुछ और आएगा तो ये नहीं है। दूसरा देखिए, 23 1 के 23 होता है, 23 6 के 92 होता है, ये भी अपने सरलतम रूप में नहीं थे, तो यह भी आपका सह अभाज्य नहीं है, क्योंकि इनका भी एस सी एफ 23 होता, एक एक नहीं होता, हमें एस सी एफ एक चाहिए, ऐसी संख्या जिनका एस सी एफ एक हो। अब इसको सोचो, 24 और 352 है, 351 है, इनके बारे में बताइए क्या ये किसी से कट रहे हैं, जैसे या क्या अपने सरलतम रूप में है कि नहीं है, थोड़ा सा इसको समझने की आपको जरूरत है। जब मैंने इसको चेक किया तो पता चला कि यह 3 8 24 होता है, 3 1 के 3, 3 1 के 3, 3 7 21, यह कट जाएगा, यह भी एक सहअभाज्य संख्या नहीं है, यह भी एक सहअभाज्य संख्या नहीं है। तो आपने नोटिस किया कि इसमें से जो पेयर आपको दिए गए थे, चाहे पहला चाहे दूसरा चाहे तीसरा, कोई भी अभाज्य संख्या नहीं, तो ऑप्शन नंबर ई लगाइएगा आप लोग। मेरा ये प्रश्न को बताने का उद्देश्य नहीं है, यहां पर ये बताने का उद्देश्य कि आपको कोई भी नंबर दे दे, आप उसको पहचान तो सको कि वह सह अभाज्य है कि नहीं है, मतलब ये आपको जानना जरूरी है कि सह अभाज्य है कि नहीं है। एक चीज यही और जान लीजिए आप लोग, एक होता है ट्विन प्राइम, एक क्या होता है ट्विन प्राइम, जिसको आप जुड़वा अभाज्य कहते हैं, जुड़वा अभाज्य, ठीक है। जुड़वा अभाज्य ऐसी दो संख्याएं होती हैं, ऐसी दो, कि उनके बारे में दो बातें समझिएगा, पहली चीज तो दोनों अभाज्य हों, ठीक है, क्या हों, दोनों अभाज्य हों, इनकी कंडीशन होती है, ध्यान से देखिएगा, और दूसरा दोनों का अंतर दो का हो, दोनों का अंतर क्या हो पता है, दो का हो, तभी वह जुड़वा अभाज्य है। जैसे 3 और 5 ये को प्राइम, ये आपका ट्विन प्राइम है, ट्विन प्राइम है, 5 और 7 ये ट्विन प्राइम है, ठीक है, ट्विन प्राइम है, 11 और 13 ठीक है, ये भी ट्विन प्राइम है, 17 19 ये भी ट्विन प्राइम है, ये सब ट्विन प्राइम है, ठीक है। मेरा ये कहने का अर्थ है कि ऐसी दो संख्याएं, आप कंफ्यूज मत हो, एकदम समझिए जो मैं बता रहा हूं, ऐसी दो संख्याएं जो पहली चीज तो अभाज्य हो, ठीक है, और उनका जो अंतर हो वो दो का हो, ऐसी सभी संख्याएं क्या होती है पता है, ये आपकी ट्विन प्राइम होती है, इसको हम जुड़वा अभाज्य कहते हैं। एक बात और दिमाग में रख लीजिएगा, जितनी जुड़वा अभाज्य होती है, देखिए दो शब्द हैं, एक को प्राइम है और एक ट्विन प्राइम है, कभी आपसे एको प्राइम मतलब सह और इसको आप कहीं जुड़वा, जितने भी जुड़वा होते हैं सब सह अभाज्य होते हैं, सभी सह अभाज्य होते हैं, सभी सह होते हैं, जितने जुड़वा अभाज्य हैं सबके सब सह अभाज्य हैं, लेकिन सभी सह अभाज्य जुड़वा अभाज्य नहीं होते हैं, नहीं होते हैं, ध्यान दीजिएगा। ऐसे कभी पूछ सकता है आपसे कि जैसे अगर आप कोई भी ट्विन प्राइम लिखे हैं, जैसे कोई ट्विन प्राइम, जैसे मान लीजिए मैं एक नंबर लिखूं, मान लीजिए मैंने लिखा 11 और 13, आप बताओ ये ट्विन प्राइम है कि नहीं है, यस है, तो ट्विन प्राइम के साथ इसे हम को प्राइम नहीं कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं, अर्थात जुड़वा अभाज्य भी है और क्या है सह अभाज्य भी है, जुड़वा अभाज्य भी है सह अभाज्य भी है। लेकिन हमने लिखा 9, अभी आप कोई भी ले लो, जैसे मान लीजिए हम अभाज्य ही ले लें, हमने लिखा 3 और 11, को प्राइम तो है, को प्राइम तो है लेकिन ट्विन प्राइम नहीं है, इसलिए बताया जाता है कि जितने भी जुड़वा अभाज्य होते हैं वो सभी सह अभाज्य होते हैं, लेकिन सभी सह अभाज्य जुड़वा अभाज्य नहीं होते हैं, इस बात को बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। ये पूछ लिया जाता है और आपको इस तरह के पैटर्न दिमाग पे रखने हैं, आपको नोट करके रखना है, समझ करके रखना है, दिक्कत जिससे ना हो। डिविजिबिलिटी, डिविजिबिलिटी का प्रश्न देख लो, एक ऐसा प्रश्न आपकी परीक्षा में इंपॉर्टेंट वे में आता है, मतलब 100% आता है। एक नंबर दिया है 18406xy 90 से विभाज्य है, कितने से, 90 से, तो x और y का योग बता दो क्या होगा, x y का योग। कुछ डिविजिबिलिटी बहुत ही जनरल तैयार करनी है, डिविजिबिलिटी के क्लास में स्टैंडर्ड ले लूंगा आप लोगों के लिए, जिसमें कुछ बेसिक डिविजिबिलिटी, जिसमें आपको 2 की डिविजिबिलिटी, 3 की 4 की 5 की 6 की 7 की 8 की 9 की 10 की 11 की 12 की 13 की, इन सब की डिविजिबिलिटी को तैयार करना है, सबकी भाज्यता चेक करनी है, चेक क्या, पहचाननी है कि कोई संख्या इनसे कटेगी कि नहीं कटेगी, ये तय करना है। अब जैसे मान लो हमको किसी संख्या की 90 से डिविजिबिलिटी देखनी है, तो 90 का मतलब होता है कि वह संख्या 9 से कटे और 10 से कटे, वही संख्या 90 से कटेगी, जो 9 से कटेगी 10 से कटेगी वही 90 से कटेगी। और ध्यान देना कि कोई संख्या अगर 10 से कटेगी, कोई संख्या अगर 10 से कटेगी तो उसका जो अंतिम अंक होगा, अंतिम अंक क्या होगा पता है, 0 होगा, हमेशा कोई संख्या अगर 10 से कटती है ना तो उसका अंतिम अंक 0 होता है, तय है। इसका मतलब ये हो गया
कि संख्या का अंतिम अंक जीरो होगा अर्थात वाई का मान जीरो होगा। वाई का मान क्या होता है? जीरो होगा। अब आपकी स्थिति ये हो गई 18406 x और y की जगह आप जीरो पुट कर दो। y की जगह कितना पुट कर, देखो x और y की जगह कितना पुट कर दिया, जीरो। अब अगली डिविजिबिलिटी है 9 की। 9 की डिविजिबिलिटी ध्यान दीजिएगा, सभी अंकों का योग, सभी अंकों का योग 9 से कटे तभी वह संख्या 9 से कटेगी। अगर कोई संख्या के सभी अंकों का जोड़ 9 से कटेगा तभी वह संख्या 9 से कटेगी, नहीं तो नहीं कटेगी। अब जैसे इसमें कितने अंक हैं ध्यान दीजिएगा, और सारे अंक लगभग क्लियर है, केवल एक ही अननोन है, वो कौन, एक्स। बाकी तो सब कंफर्म है, एक है, आठ है, चार है, जीरो है, छह है, इधर भी जीरो है। अब आपको इसको 9 से चेक करना है, ठीक है, 9 से चेक करना है। तो एक और आठ मिलकर 9 होता है, तो इसको खत्म ही कर दो, एक आठ मिलकर 9 होता है, खत्म कर दो। चार है, जीरो है, छह है, जीरो है, जोड़िए, चार प्लस जीरो प्लस छह मतलब 10 हो गया, 10 प्लस एक्स। अब एक संख्या सोच के बताओ जो 10 के ऊपर होती है 9 से कटती हो, क्या होती है, 18। 10 के ऊपर 9 से कटने वाली संख्या 18, अर्थात एक्स का मान आपका क्या होगा, 8। तय हो गया, एक्स का मान आपका 8 हो गया और वाई का मान आपका क्या हो गया, 0 हो गया। हमसे पूछा एक्स और वाई का जोड़ बता दो, एक्स प्लस वाई बताना है, एक्स का मान 8 है, वाई का मान 0 है, जोड़ दिया तो कितना आएगा, 8 है। राइट सोल्यूशन इसका कितना है, सी ऑप्शन है, 8 है। राइट सोल्यूशन इसका क्या है, 8 है। तो इस तरह से प्रश्न आपको दिखेंगे डिविजिबिलिटी के, लेकिन इसके लिए जो डिटेल्ड डिविजिबिलिटी है उसको ध्यान से पढ़नी पड़ेगी, 3 की, 5 की, 7 की, 11 की, क्योंकि हमसे जब पूछा जाएगा तो 88 की, 72 की, ज्यादा जो पूछा जाता है, लेकिन उसके लिए हमें बेसिक पता होना जरूरी है कि 8 की भाज्यता क्या है, 9 की क्या है, 7 की क्या है, जो बेसिक जो उसको नॉलेज है उसको दिक्कत नहीं होती है। अब जैसे 90 का देखना था तो 90 से भाग देने की जरूरत नहीं, 90 मतलब 9 से कटे 10 से कटे। अब 10 से कटने का मतलब अंतिम में 0 होना तय था, तो 0 के लिए सेट किया, वाई का मान कंफर्म हो गया। अब उसी हिसाब से 9 की भाज्यता चेक और कर लिया, तो दोनों के हिसाब से हमारा उत्तर एक्स और वाई का मान आया, जुड़ करके दोनों कितने होंगे, 8 ही होंगे, कंफर्म हो गया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। देखो यूनिट डिजिट आपको बताना है, इकाई का अंक। मेरी बात को खूब ध्यान से सुनिएगा, कुछ बातें आप लोग समझ लो। जैसे कभी अगर हमें किसी कंडीशन में हमें यूनिट डिजिट बताना है, इकाई का अंक, तो आपको मैं बता दूं कि अगर आपकी संख्याएं जो लिखी गई हैं, संख्या जो लिखी गई है, अगर वो बेस और पावर के रूप में है, मतलब आधार और घात के रूप में है, तो आपको दो चीजें चेक करनी है, एक आधार और उस पर लगी घात, आधार चेक करनी है और उस पर लगी घात चेक करनी है। आपको मैं बता दूं कि जो आधार का इकाई होगा अंतिम अंक, वही निर्धारित कर देगा घात को देखकर, क्योंकि जैसे अगर मान लो हमने 5 की पावर 3 लिखा, इसका मतलब 5 × 5 × 5 होगा 3 बार, तो आपको आधार के अंतिम अंक को चेक करना है कि उसको हम कितनी बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं, घात बताएगा ना कितनी बार हम मल्टीप्लाई करोगे। आधार जैसे हमने 5 की पावर 3 लिखा, तो इसका मतलब 5 का मल्टीप्लीकेशन कितनी बार है, 3 बार है, 5 × 5 × 5 कंफर्म है ना। अब ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, यहां पर इसके अंत में क्या क्या हो सकता है, इसके अंत में 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5, 6, 7, 8 और 9 इतना ही हो सकता है ना, इनके अलावा कुछ होगा क्या, 0 से लेकर के कुछ भी हो सकता है, समझ रहे ना। अब यहां पर ध्यान से समझिएगा कि आपको मैं बता दूं, अगर कभी किसी बेस के इंड में आपको 0 दिखे, 1 दिखे, 5 दिखे, 6 दिखे, और उसके ऊपर चाहे जो पावर लगी हो, चाहे जो पावर, ठीक है, एनी पावर, कोई परिवर्तन नहीं होगा, मान वही रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है, मान वही रहेगा। जैसे आपको जानकारी दे दूं कि मान लीजिए आपने, मतलब कोई नंबर उठा लीजिए, आप ध्यान से मेरी बात समझिएगा। अब जैसे ऊपर मैं लिखकर दिखाता हूं, सपोज करिए कि लिखा है 100 की पावर, अगर मैंने लिखा 80, तो इसके इंड में अर्थात यूनिट डिजिट क्या आएगा, आप लिख दो 0 आएगा, 251 पावर चाहे जो लगा दो, 73 क्या आएगा, 1 आएगा, 15 की पावर 47 है, अंत में क्या आएगा, 5, 26 की पावर 373 है, अंत में क्या आएगा, 6, मतलब मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर हम किसी संख्या के अंत में 0 देख रहे हैं, 1 देख रहे हैं, 5 देख रहे हैं, 6 देख रहे हैं, तो चाहे जो पावर चाहे जो घात लगा दीजिए, मान में कोई परिवर्तन नहीं आता है। बट अगर ध्यान से देखिएगा, अगर संख्या के जो बेस है, अपना बेस है, बेस के अंत में आपको 4 दिखे और 9 दिखे,
चार दिखे और नौ दिखे। तो अगर पावर, अगर पावर मतलब घात आपकी सम है, क्या है, सम है और विषम है, दोनों के लिए समझिएगा, तो चार जो होता है सम पर छह हो जाता है और नौ एक हो जाता है, और विषम पर चार चार रहता है, नौ पर नौ ही रहता है। मतलब आपको घातों को चेक करना पड़ता है कि घात अपनी सम है कि विषम है। अगर संख्या के अंत में अंत में चार है या नौ है तो घात चेक करो कि सम है कि विषम है। सम घात पर चार छह बन जाता है, नौ एक बन जाता है, और विषम घात पर चार जो होता है चार रहता है और नौ नौ ही रहता है। जैसे एग्जाम्पल देखिएगा तो कन्फर्म होगा। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 344, आप लोग कमेंट करो, पावर अगर 123 लिखा है, बोलिए कितना आएगा इसका इंड यूनिट डिजिट। तो सबसे पहले आप इसको चेक करो कि इसकी जो पावर लगी है घात, घात क्या है, सम है कि विषम है, बोलिए सम है कि विषम है। आप कहोगे सर विषम है, क्यों विषम है कि नहीं है, जिस संख्या के अंत में 1, 3, 5, 7, 9 होता है वह विषम होता है, तो विषम में चार चार ही रहेगा, मतलब यहां पर यूनिट में क्या आएगा, चार आएगा। ऐसे मान लीजिए लिखा है 399 की पावर 1008 है, अब बोलिए इसके यूनिट में इंड डिजिट में क्या आएगा, यहां पर 9 है और ये सम है, क्या है सम है, तो आपका सम में देखिए 9 का सम है तो क्या आएगा, एक आएगा। इस तरह से इसको डिसाइड करना है, इस तरह से इसको डिसाइड करना है, ध्यान देना है आप लोगों को। अब एक लास्ट कंडीशन होती है, उसको चेक कराता हूं मैं आप लोगों को, कि जब किसी भी बेस बेस के इंड में 2 हो 3 हो 7 हो 8 हो तो जो पावर लगी रहती है ना, पावर को 4 से भाग करते हैं, पावर को 4 से भाग करते हैं और रिमाइंडर पता करते हैं, रिमाइंडर वही रिमाइंडर इनके ऊपर लगा देते हैं तो आंसर आ जाता है। मैं आपको करके दिखाता हूं एक दो, तो कंफर्म हो जाएगा कैसे इसको किया जाएगा और समझ में आ जाएगी बातें, ठीक है। चलिए देखिए, जैसे मान लो यह प्रश्न है आपका, ये प्रश्न है लिखा है 4, 5, 2, 3 की पावर 1, 6, 3, 2 है गुणे 2, 2, 2, 4 है की पावर 1, 6, 3, 2 है, 3, 2, 2, 5 है की पावर 1632 है। आपसे पूछा कि इसके हल के इकाई में क्या प्राप्त होगा, जब आप इसका हल कर देंगे तो इसके यूनिट डिजिट अर्थात इकाई में क्या प्राप्त होगा, कौन कौन बता सकता है, कौन कौन कंफर्म कर सकता है, क्लियर बताइए। सबसे पहले देखो, अगर अंत में 5 है तो चाहे जो पावर लगा रहेगा 5 का 5 ही आएगा, 5 का क्या आएगा 5 ही आएगा, कोई चेंज नहीं होगा। फिर देखिए, अंत में अगर 4 है, पावर अगर सम संख्या है, सम है कि विषम है, 1632 लिखा है ना, तो 1632 का मतलब होता है सम, क्योंकि अंतिम में 2 है, अंतिम में 0 हो 2 हो 4 हो 6 हो 8 हो संख्या के, तो वह एक सम संख्या होती है, कोई संख्या है अगर उसके अंत में 0 दिखे 2 दिखे 4 दिखे 6 दिखे 8 दिखे तो बोल देना सम संख्या है। ऐसी कंडीशन में सम है तो यहां पर आएगा 6, क्या आएगा 6। फिर देखिए, अब यहां पर 3 है, अब मैंने आपको बताया 2 हो 3 हो 7 हो 8 हो तो पावर को करो 4 से भाग, पावर को 4 से भाग करो, और 4 से भाग करके भाज्यता जब चेक करनी है तो अंतिम के 2 अंकों को ही चेक करना होता है, पूरे को नहीं करना है, पूरे को नहीं करना है। 4, 8, 32 रिमाइंडर आएगा 0, और जब रिमाइंडर 0 आता है तो 0 की जगह 4 लिखा जाता है, यहां पर 0 की जगह 4, तो 3 की पावर 4 होगा अर्थात अंत में 1 आएगा, तो आपको 1 × 6 × 5 करना है। और अगर कभी गुणनफल करके आपको इकाई का अंक पता करना हो, इकाई को डिटेल से मुझे बताना पड़ेगा, कमेंट कर देना आप लोग लास्ट में कि अगर इकाई आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो आप मेरे से सीख लीजिएगा, एक बार मैं पूरा सेशन इकाई का अंक का ले लूंगा, आपके लिए कंफर्म हो जाएगा। देखिए जो मैं बता रहा हूं, 1 है 6 है 5 है, जब भी कभी गुणनफल हो और यूनिट डिजिट बताना हो तो आपको चेक करना है कहीं 5 तो नहीं है, है ना 5, 5 का गुणा कभी भी किसी संख्या के मतलब सम संख्या के साथ होगा तो इंड में अंत में हमेशा 0 आएगा, 5 का गुणा कभी सम संख्या के साथ होगा तो अंत में 0 आएगा। वैसे भी देखो 1 × 6 होता है, 6 × 5 = 30, अंतिम में कितना आना है 0, तो ऑप्शन नंबर बी कौन कौन बताया था, बहुत बढ़िया, मिथु राजपूत बताए हैं, अजमेरी अंसारी, हासिम शम्स, कविता, ठीक है रिचा, देखिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बी ऑप्शन राइट सोल्यूशन है, बी ऑप्शन। तो आप लोग लास्ट में बता देना हमें कि अगर आपको लगता है कि यूनिट डिजिट हमें एक बार डिटेल से बता दे तो जरूर मैं करा दूंगा, लेकिन आप बताइएगा उसी हिसाब से प्लान करेंगे हम लोग, ठीक है। चलो आगे बढ़ता हूं, यहां पर किसी संख्या के गुणकों की संख्या, गुणक मतलब फैक्टर, ये बताना है, ध्यान से देखिएगा फैक्टर कैसे किसी संख्या का निकाला जाता है, किसी संख्या में कुल कितने गुणनखंड होते हैं, जनरल एक बात बताइए आप लोग कमेंट से देखिए मतलब समझिएगा,
एक संख्या मैंने 6 लिखा। सबसे पहले गुणक फैक्टर जानते हैं क्या होता है, जो किसी संख्या को पूर्णता विभाजित करे वही गुणक है। आप अगर 6 के फैक्टर पता कर रहे हैं तो 6 को डिवाइड करने वाले नंबर ढूंढ लो। सबसे पहले किसी संख्या का पहला गुणनखंड 1 होता है, कितनी बार जाएगा? 6 बार। दूसरा गुणनखंड 2 से देखो कितनी बार? 3 बार। अब इसके गुणनखंड कितने हो गए? 4। मतलब अगर हम टोटल फैक्टर की बात करें तो टोटल फैक्टर हो गए 4। कोई संख्या है, ठीक है, जैसे 12 है मान लीजिए, 12 के टोटल फैक्टर बताइए कैसे निकलेंगे? 1 से कितनी बार? 12 बार। 2 से कितनी बार? 6 बार। 3 से कितनी बार? 4 बार। ठीक है, ये हो गया। अब आप देख रहे हैं इसके टोटल फैक्टर कितने आ रहे हैं? टोटल फैक्टर इसके 6 आ रहे हैं। किसी के टोटल फैक्टर निकाले, अब ऐसे हर नंबर को तो हम चेक नहीं कर पाएंगे, बल्कि जो प्रश्न दिया उसी को नहीं कर पाएंगे, उसी को नहीं चेक कर पाएंगे। हमें कैसे करना होगा, इसके लिए आप ध्यान से देखिएगा। जो नंबर आपको दिया जाए, जो नंबर दिया जाए, उस नंबर का आप करो अभाज्य गुणनखंड। क्या करो? अभाज्य गुणनखंड। तो n बराबर a की पावर m, b की पावर n, c की पावर r, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, a की पावर m, b की पावर n, c की पावर r, इस रूप में लिखा जाएगा ऐसे। जहां पर ध्यान ये देना है हम लोगों को कि a वैल्यूज क्या है, a है, b है, c है, ये सब अभाज्य हो। क्या हो? अभाज्य। ठीक है, ये सब अभाज्य हो। अब जैसे आपका 6 था ना, तो 6 को मैं लिख सकता हूं 2 × 3, लिख सकते हैं कि नहीं? 12 को आप लिख सकते हैं 2 × 4 × 3, मतलब 2 की पावर 2 × 3 की पावर 1 ना, 2 की पावर 2 × 3 की पावर 1, ऐसे इसको आप लिख सकते हैं 2 की पावर 1 × 3 की पावर 1। अब आपको अगर टोटल फैक्टर निकालना है, टोटल फैक्टर, तो जो जो इनके ऊपर लगी पावर हो, पावर को एक एक जोड़ लीजिए, m+1, n+1, r+1, इस तरह से हम लोग एक एक बढ़ाकर आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो आपको टोटल फैक्टर पता चल जाते हैं। जैसे हमें इसके टोटल फैक्टर पता करने हैं, कैसे निकलेगा? देखो 4 तो हम बता चुके हैं आपको, बट अभी बताना है तो 2 की पावर 1 है तो 1+1 कर दो, और 3 की पावर 1 है 1+1 कर दो, ये 2 × 2 होगा। अर्थात देखो 4 आया था कि नहीं, यहां पर 4 है। इसका देखिए टोटल फैक्टर निकालना है, इसकी पावर 2 है तो 2+1 कर दे, 3 की पावर 1 है 1+2 कर, 1+1 कर दो, 3 × 2 कर दो, अर्थात टोटल फैक्टर बताएं कितना? 6। टोटल फैक्टर 6 हो गए। आई ना बातें समझ में? कोई भी नंबर उठा ले, आपको टोटल फैक्टर निकालना आसान दिखता है। जैसे मान लीजिए मैंने कहा 60 है, और मैं आपसे कह रहा हूं टोटल फैक्टर बताइए क्या होगा। टोटल फैक्टर अर्थात इसके कुल गुणनखंड कितने होंगे, कैसे निकलेगा बताइए? 60 को फैक्टराइजेशन करिए तो 60 को आप 6 × 10 लिख सकते हैं कि नहीं? पहले अभाज्य के रूप में लाइए, और 6 को क्या लिख सकते हैं? 2 × 3, और इसको क्या लिख सकते हैं? 2 × 5। अब लिखिए 2 एक बार है, 2 बार है, 3 की पावर 1 होगी और 5 की पावर 1 होगी। ठीक है, 2 की पावर 2 होगी, 3 की पावर 1 होगी, 5 की पावर 1 होगी। टोटल फैक्टर निकालना है तो जो पावर लगी है उसको एक एक बढ़ाइए, 2+1, 1+1 और 1+1। ठीक है, 3 है 2 है 2 है, 3 × 6 × 12, ये टोटल फैक्टर है, टोटल फैक्टर है ना। इस तरह से आपको डिसाइड करना है। टोटल फैक्टर किसी का भी निकालना है तो पहले उसका अभाज्य गुणनखंड करिए। क्या करिए? अभाज्य गुणनखंड, प्राइम फैक्टर करिए, प्राइम फैक्टराइज करिए। उसके बाद जो पावर्स है ना, पावर को एक एक बढ़ाइए और बढ़ा के आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, उससे पता चल जाएगा उसके कितने टोटल फैक्टर आएंगे। अब जैसे जो प्रश्न आपको दिया है, क्या दिया है बताइए? ये दिया है 11025 है, इसके गुणकों की संख्या अर्थात कुल फैक्टर आपको निकालने हैं, कितने फैक्टर टोटल हैं ये बताने हैं। तो आप 11025 का फैक्टराइजेशन करिए। देखिए फैक्टराइजेशन मतलब अभाज्य से करिए, और यह संख्या देखो तो 5 से भी कट रही है, 5 × 2 = 7 × 9, 3 से भी कट रही है। तो पहले 3 से काटिए, 3 × 3 = 9, 9 × 2 = 11 होता है, 2 × 0 3 × 6 = 18, 2 × 2 = 3 = 21, 3 × 5 = 15, अभी भी 3 से कटेगा, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, 3 × 6 = 15। ये अब 3 से नहीं कटेगा, 5 × 4 = 9, 1 = 10 होता है, 5 से कटेगा, 5 × 2 = 10, 5 × 4 = 20, 5 × 5 = 25, 5 × 2 = 10 और 2 × 2, 5 × 4 = 20, फिर 5 से कटेगा, 5 × 4 = 20, 5 × 9 = 45, अभी 7 से कटेगा, 7 × 7 = 49, 7 × 1 = 7। अभी आप इस नंबर को क्या लिख सकते हैं बताइए? इस नंबर को हम लिख सकते हैं 11025 को क्या लिख सकते हैं? 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 अर्थात 3 × 3,
देखो ऐसे लिख देते हैं डायरेक्टली, 3 की पावर 2, 3 की पावर 2, 5 की पावर 2, ठीक है, 5 की पावर 2, 7 की पावर 2, 3 की पावर 2, 5 की पावर 2, 7 की पावर 2। अब आप टोटल फैक्टर निकालिए, टोटल फैक्टर क्या होता है, इसकी पावर 2 है 2 प्लस 1 करिए, इसकी पावर 2 है 2 प्लस 1 करिए, इसकी पावर 2 है 2 प्लस 1 करिए, ये कितना होगा 3, ये होगा 3, ये होगा 3, 3 दिया 9 3 27, टोटल फैक्टर कितने हो गए बताएं, 27, ऑप्शन नंबर सी है। आई बातें समझ में? तो अगर किसी भी संख्या के टोटल फैक्टर निकालने हैं तो बहुत आसान होता है, और फैक्टर का एक सेशन आपको जरूरी है, क्योंकि फैक्टर्स में यही इतना नहीं आएगा, कुल फैक्टर आता है, ठीक है, सम फैक्टर आता है, ऑड फैक्टर मतलब इवन फैक्टर, ऑड फैक्टर फैक्टर्स का सम, फैक्टर्स का प्रोडक्ट, इवन का प्रोडक्ट, इवन का सम, ऑड का प्रोडक्ट, ऑड का सम, हर तरह के प्रश्न बनते हैं, ठीक है। फैक्टर से लेकर के एक बढ़िया सेशन आपके लिए जरूरी है। तो 6ठे प्रश्न का उत्तर आपके सामने है, जो कि 27 है, ऑप्शन नंबर सी है। तय हो गया ना, क्लियर? आगे बढ़ता हूं, आप सेगमेंट्स देखते जाइए, जहां जहां से प्रश्न आ रही, चीजें आ रही, वो आप देखते जाइए। अब जैसे ये प्रश्न है, अब जैसे इस तरह का भी आपको एक प्रोडक्ट देगा और आपसे कहेगा कि इसमें बताओ क्रमागत शून्यों की संख्या बता दो क्या है। जैसे अगर किसी गुणनफल में कोई अगर गुणनफल है, कोई अगर गुणनफल है, हमको ये पता करना है कि उसमें शून्य आएगा कि नहीं आएगा, क्रमागत उसके अंत में, अंत में ये अंत के शून्य की बात है, अंत में शून्य आएगा या नहीं आएगा, आएगा या नहीं ये बताना है। तो आएगा तभी, समझ रहे हैं, कब आएगा पता है, आएगा तभी जब किसी भी प्रोडक्ट के अंत में शून्य तभी आएगा जब उसके गुणनखंड में, गुणनखंड में 2 और 5, 2 और 5 एज अ फैक्टर हो, ठीक है, एज अ फैक्टर हो, समझ रहे हैं। अगर मान लीजिए कोई आप ऐसे नॉर्मली फैक्टराइज कर रहे हैं किसी नंबर को, 2 और 5 उसके गुणनखंड में हैं तभी शून्य आएगा, नहीं तो शून्य नहीं आएगा। और शून्य कितनी बार आएगा, नंबर ऑफ जीरो जो होते हैं वो किसके बराबर होते हैं, नंबर ऑफ जीरो किसी भी गुणनफल के अंत में नंबर ऑफ जीरो 2 और 5 के जितने जोड़े बनेंगे, 2 5 के जितने जोड़े बनेंगे उतनी बार शून्य आएगा, जितने जोड़े बनेंगे उतनी बार, उतनी बार शून्य आएगा। अब जोड़े कैसे काउंट होंगे, जोड़े, जोड़े ऐसे काउंट होते हैं, जैसे आप ध्यान से देखिएगा, लिखा है 2 की पावर 3 है, 3 की पावर 4 है, 5 की पावर 4 है, 7 है, तो यहां पर आपको 2 भी दिख रहा है, यहां पर आपको 5 भी दिख रहा है। जोड़े हमेशा मिनिमम पर डिपेंड करते हैं, जैसे अगर मान लो मैं कह दूं 2 कितनी बार है, 2 यहां पर 3 बार है, 2 है 2 है 2 है, 5 कितनी बार, 1 है 2 है 3 है 4 है, जोड़े बताइए, 1 जोड़ा 2 जोड़ा 3 जोड़ा, हमेशा जोड़े मिनिमम पर डिपेंड करते हैं। तो यहां पर 3 पेयर बनेंगे, 3 पेयर, और जब 3 पेयर बनेंगे तो अंत में 3 शून्य आएगा, जब इसका आप गुणनफल करके देख सकते हैं 3 शून्य आएगा अंत में, ठीक है, अंत में कितने शून्य आएंगे, 3 शून्य, तो इसके लिए राइट सॉल्यूशन 3 होगा। अब नंबर ऑफ जीरो इंड से, ये भी एक पार्ट है, चैप्टर है, ये भी डिटेल से जाना होगा, समझ रहे हैं, ये इस पर भी डिटेल से जाना होगा, क्योंकि इसको भी इग्नोर नहीं कर सकते। अभी तो मैंने एक क्वेश्चन लिया है, बट इसमें लॉट ऑफ वैरायटीज है, अलग अलग प्रकार है, फैक्टोरियल्स है, पैटर्न है, सीरीज है, बहुत अलग अलग चीजें हैं जिसको आपको अलग से करना होगा, तभी आप अच्छे से इसको डिटेल कर पाएंगे। तो 7वें प्रश्न का उत्तर आप देख पा रहे हैं कितना है, 3 है, जो कि आपको ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। एग्जैक्टली आप लोग तैयार करिए, इसको समझिए। अब शेषफल का प्रश्न है, हाँ शेषफल का भी प्रश्न आता है, रिमाइंडर भी एक टॉपिक है, आप समझ लीजिए। जैसे यहां पर क्या है, 82 है, 53 है, 125 है, 45 है और 43 है, और भाग किससे करना है, 15 से। आपसे पूछा गया कि इसको भाग देने पर शेषफल क्या आएगा, भाग देने पर शेषफल क्या आएगा, ये आपको बताना है। तो आप याद रखो, समझो इस चीज को कि ये भाग देगा इस पूरे नंबर समूह को। अब अलग अलग शेषफल चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सब एक ही नंबर है, इनमें कहीं आपको 3 भी दिख रहा होगा फैक्टर के रूप में, 5 भी दिख रहा होगा। अगर ये जो अपना नंबर भाजक है, कहीं ये गुणनखंड के रूप में ऊपर तो नहीं है, है, जैसे चेक करो 3 से 15 बार और 3 से 5 बार, 5 से फिर काट दो 15, ये 15 तिया सीधा सीधा 45, मतलब एक चीज ध्यान दीजिएगा, ऐसे 15 डायरेक्टली 45 को काट देगा
और रिमाइंडर देगा जीरो। अगर एक भी पद पूरी तरह से कट जाए, एक भी पद पूरी तरह से कट जाए, तो बाकी चाहे में जो भी रिमाइंडर आए वो सारे जब मल्टीप्लाई होंगे जीरो के साथ, तो ऑलवेज यू गेट द जीरो एज ए रिमाइंडर। मतलब ये कंफर्म है कि जो ऊपर लिखी नंबर है, संख्या है, वो 15 से पूर्णतः विभाजित है। मतलब 15 इसको कंप्लीटली डिवाइड कर देगा, यू गेट 15। मतलब अगर 15 से डिवाइड करें यू गेट जीरो एज ए रिमाइंडर, मतलब अंत में आपको शून्य मिलेगा, अर्थात यह पूर्णतः कटेगा, यह पूर्णतः कटेगा। तो इस आठवें प्रश्न का राइट सोल्यूशन आपका जीरो होगा, जीरो आपका करेक्ट आंसर, नोट कर लीजिए, सही उत्तर आपका माना जाएगा। ठीक है, जीरो सही उत्तर है। ठीक, आगे बढ़ता हूं। अब शेषफल ए भी है, ये बेस पावर का क्वेश्चन है, आप मेरी बात को बहुत ध्यान से देखिएगा। जैसे लिखा है 3 की पावर 40 डिवाइड बाई 4 है, इसका अर्थ क्या है समझो, ये ऐसे है 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × सोन कितनी बार बोलो, 40 बार। और भाग किससे करना है, 4 से भाग करना है। हम लोगों ने भाग दिया है और शेषफल निकालने के लिए हम बार कितना लेके जाते हैं। जैसे मान लो अगर मैं आपसे कहूं कि 35 को 8 से भाग करो, तो आप कितना बार लेके जाओगे, 8 × 4 = 32, और कहोगे सर प्लस 3 रिमाइंडर है, शेषफल। हमने कहा ऐसा ना करते हो कि 8 × 5 = 40 कर दो, 40 में से 5 घटा दो, -5 भी रिमाइंडर हो सकता है। तो जैसे पॉजिटिव रिमाइंडर होता है वैसे नेगेटिव रिमाइंडर भी होता है। और एक बात और जान लो, अगर कभी भी आप किसी एक जैसे ए को बी से भाग कर रहे हो, पता चला कि ए छोटा है बी से, मतलब ऊपर छोटा है नीचे से, तो रिमाइंडर आपका ए ही होगा। जैसे 3 को आप 5 से भाग करो तो रिमाइंडर आपका 3 ही होगा, 5 को 7 से भाग करो रिमाइंडर आपका 5 ही होगा। हमेशा हमेशा जो छोटी संख्या उसको हम भाग कर रहे हैं तो वही शेषफल हो जाती है, वही शेषफल हो जाती है। 4 से हम 3 को भाग करें तो शेषफल 3 आएगा, फिर 3 तो फायदा क्या। फिर एक दूसरा दिमाग लगा मेरा कि 4 से हम 3 को भाग करें तो या तो प्लस 3 रिमाइंडर आएगा या 4 × 1 = -1, मतलब -1 रिमाइंडर आएगा। अब -1 यहां भी होगा, यहां भी होगा, यहां भी होगा, और कितनी बार होगा, 40 बार। मतलब 3 की पावर 40 डिवाइड बाई अगर 4 है, हम 4 से 3 को भाग करें तो -1 आया, और 1 नहीं कितनी बार 40 बार। फिर एक बात जान लीजिए आप लोग, -1 की पावर अगर n है तो 2 रिजल्ट आते हैं, एक तो +1 आता है, एक तो -1 आता है। +1 तब आता है जब n एक सम हो, और -1 तब आता है जब n क्या है, विषम हो। ठीक है, विषम हो। अब मुझे एक बात बताओ कि अगर -1 की पावर 40 है तो यह सम है कि विषम, सम है, तो कन्फर्म है कि इसका मान 1 होगा, 1/4 है, तो रिमाइंडर आपका, क्योंकि 1 छोटा है 4 से, तो 1 ही शेषफल होगा जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया है। पहला 1 शेषफल है, ठीक है, 1 शेषफल है, जितने लोग का 1 है, परफेक्ट है, सही है, और 1 करेक्ट आंसर है। -1 का बिल्कुल सही बात है, 40 बार रिपीट करना होगा। इसी पैटर्न पर एक प्रश्न और, तो शेषफल को लेकर के भी एक शानदार सा सेशन करने की जरूरत रहेगी। तो आप लोग ऐसे सेशंस रखेंगे ना जो जैसे स्पेसिफिक होंगे, जैसे रिमाइंडर, जैसे ट्रेलिंग जीरो जो अंत से शून्य है, यूनिट डिजिट, ठीक है, फैक्टर, ऐसे सेशंस लेकर चलेंगे। तो एक एक सेशन रहेगा तो उसमें डिटेल्स हम उसको बता भी देंगे और वहां से काफी कुछ कवर भी हो जाएगा। जैसे हम लिखवाएंगे कल से, आप हेडिंग देखना, नंबर सिस्टम, और नंबर सिस्टम के नीचे लिखा रहेगा फैक्टर, नंबर सिस्टम के नीचे लिखा रहेगा रिमाइंडर, नंबर सिस्टम के नीचे लिखा रहेगा यूनिट डिजिट, ट्रेलिंग जीरो, आप उनके प्रश्न हल करिएगा, ये सही रहेगा। 8 की पावर 33 है, डिवाइड को 9 से भाग करना है, एकदम सेम उसी पर आधारित प्रश्न है, सेम उसी पर आधारित प्रश्न है, जो कर सके प्लीज बताइए। ठीक है, और आप कमेंट जरूर करना, जब वीडियो हो जाए तो आप जरूर बताइएगा, अपनी प्रॉब्लम लिखा करें, अपनी चीजों को लिखा करिए, और जो आप चाहते हैं, जो आपकी समस्या हो उसको जरूर प्रेजेंट करें, उसी हिसाब से हम प्लानिंग किया करें, ये हमारा, क्योंकि हम अपने मन से प्लान करते हैं, हालांकि हम आपको फील करके प्लान करते हैं, जैसा ऐसा नहीं कि हम अपने मन से ऐसे ही सोच लेते हैं, नहीं, जो आपके अंदर की कन्फ्यूजन्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं, डाउट्स हैं, उसी पर बेस करके, थीम करके हम चीज़ें सेशन बनाते हैं। ठीक है, ये सेशन बना है, मैंने सोचा है चीज़ों को लेकर, लेकिन फिर भी आप कुछ लिखोगे ना तो हम समझेंगे। 9 से भाग करिए 8 को, एक तय है कि यहाँ भी -1 आएगा, पावर कितना होगा, 33/9। सम है कि विषम, विषम है, और अगर ये विषम है तो -1 रह जाएगा डिवाइड बाई 9, और अगर नेगेटिव आया है तो पॉजिटिव बनाने के लिए 9 से 1 घटा दीजिए, 9 से 1 घटेगा, इसका शेषफल कितना आएगा, 8, राइट सोल्यूशन 8 होगा, बी ऑप्शन। तो आज के लिए इजाजत दीजिए,
बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, अपनी चीजें जरूर कहिएगा, और आज इस सेशन के लिए मैं यहीं पे एंड करता हूँ। थैंक यू सो मच, धन्यवाद सभी।